गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के 8 बज गए हैं और मैं अभी सो के उठा हूँ और अभी दादाजी ने मुझको चाय दी है। और गाइस, अभी 10 बज गए हैं और अभी आए हैं हम नीचे जहाँ काम चल रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से क्राफ्टिंग होती है। अभी क्राफ्ट कर रहे हैं। ये हैं आलू बुखारा की जड़, तो ये पूरा पेड़ लाए थे तो इसको कटिंग करके हमने ये इस पर हम कटिंग लगाते हैं जो भी हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसे कि अभी आड़ू नेक्टिन की लगा रहे हैं, तो अभी मैं इसको कट करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए, आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि किस तरह से कट किया जाता है टॉप से। और इसको कट किया और यहाँ से हम एक कटिंग लेते हैं और उसको किस तरह से अंदर रखते हैं और मैं दिखाता हूँ। और ये देखिए, हमने इसको किस तरह से अंदर रखा है और इस पर हम पूरा इसको पैक कर देंगे जिससे भी इसके अंदर हवा ना लगे, क्योंकि अगर हवा लगेगी तो ये सूख जाएगा और इस पर पेड़ तैयार नहीं होगा। तो इसलिए हम दिखाएंगे, दिखाता हूँ इसको बांधने के बाद। और ये देखिए किस तरह से इसको लपेटा जाता है जिससे कि इस पर एयर ना जाए, देना इधर है ये। और ये देखिए किस तरह से हमने ग्राफ्ट करी है, पूरी पॉलिथीन पैक यहाँ टॉप से लेकर और नीचे तक, जिससे कि इसके बीच का जो एयर ना जाए अंदर। इसी तरह हम यहाँ पे पूरे ये तैयार करते हैं। और अभी ये आड़ू के नेक्टिन लगा रहे हैं, इसके बाद पल्लम सेंट्रोजा की लगाएंगे कटिंग। और उसके बाद क्योंकि बारिश हो रही है तो हमने इधर पे काम करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में बारिश हो रही तो काम नहीं हो पाता है, खेतों में गीला हो जाता है। तो इसलिए इसको कल जब बारिश बंद हो जाएगी तो इसको रोपाई की तरह हम रोप देंगे। आग लगाई थी क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है और बारिश हो रही है, तो यहाँ पे काम भी बड़े ज़ोरों से चल रहा है। तो हमने खेत में ना करवा के यहाँ पे टिन सेट के नीचे करवाया, अभी हमारा बहुत काम बाकी है। तो गाइस, ठंड का मिराज पूरा लेते हुए यहाँ पे हम जो बीमारी लगती है लीफ कल रोग के कारण लगती है। इसमें क्या होता है कि जो आड़ू की पत्तियाँ होती हैं वो बड़े आकार और मुड़ी हुई सी हो जाती हैं और इसका रंग धीरे धीरे पीला और लाल पड़ जाता है। और ये बसंत ऋतु में जब अधिक ठंड और नमी वाला दिन होते हैं तो उस टाइम ये अधिक मात्रा में होता है। फ्रीना डिफार्मेंस फफूंद के कारण होता है और ये पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम जिस पत्ती पे और तने पे ये रोग बीमारी होती है तो उसको हम काट देने चाहिए उस टहनी को। और दूसरा रोकथाम ये है कि हम दूसरा जो छिड़काव होता है उसका बोटो मिक्सर का एक छिड़काव करना चाहिए, वो भी पतझड़ के बाद करना पड़ता है। और दूसरा छिड़काव जो होता है वो होता है हमारा जब उस पर कलियाँ फूटने लगती हैं, नई कलियाँ आने लगती है, उस टाइम करना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारे नई कलियाँ आएँ उस पर कोई बीमारी ना लगे। क्योंकि अगर हम बोटो मिक्सर का छिड़काव नहीं करेंगे तो जो अगर बाई चांस बची भी होंगी बीमारी तो वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे और पौधे को फिर ग्रसित करके ख़राब कर देंगी। जिस ऑटो मिक्सर का छिड़काव करने के बाद आप कुछ दिनों बाद 15-20 दिन बाद जब हमारी कलियां आ जाती हैं उसके 20 दिन बाद या 25 दिन बाद भी आप उसमें सल्फर और जो गौमूत्र होता है उसका छिड़काव कर सकते हैं। उससे भी लाभदायी होता है पेड़ और उससे काफ़ी बीमारियाँ ग्रसित होती हैं।